A very good morning to all of you, my dear students. So students, we were reading coordinate geometry, and in this chapter I gave you exercise 3.2, and almost all of you have sent your homeworks to me, so it's very appreciating that you all are doing very well. Now the next content that we are going to deal with is plotting a point. This is 3.3. Plotting a point in the plane if its coordinates are given, means if you can see that in the given question the coordinates, means the abscissa and the ordinates, are given, then at that point of time you have to locate these things on your these points on the Cartesian plane. Okay, so up till now we have drawn the points for you and asked you to give their coordinates. Now we will show you how we place these points in the place if we know its coordinates. We'll call this process plotting the point. Let the coordinate of a point be 3, 5. देखो इसमें क्या करना है, सीधी सीधी बात समझो. अब तक क्या हो रहा था कि एक कार्टेशियन प्लेन पे सब कुछ लिखा हुआ था और बस खाली आपको पॉइंट नंबर के साथ उनका लोकेशन चेक करके बताना था. ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना, आपको जस्ट ये जस्ट हैव टू लोकेट कि अगर 2-4 कौन सा पॉइंट बता रहा है, 2-4 कौन सा पॉइंट बता रहा है. तो सर 2-4 बताने वाला पॉइंट जो है यहाँ पे जी है ना, राइट. लेकिन अब क्या होगा कि आपका पॉइंट खाली दिया रहेगा और पॉइंट का नाम दिया रहेगा, उसका लोकेशन दिया रहेगा, आपको खुद वो ड्रॉ करना रहेगा. अब का प्रोसेस है देखो ये है. तो अब क्या करना है इसमें कि वी वॉन्ट टू प्लॉट दिस पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. वी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सेस. सबसे पहला काम तो एक्सेस बनाना. ठीक है, चूज आवर यूनिट सच दैट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस. ठीक है, ये यूनिट रिप्रेजेंटेशन का नाम मतलब मालूम है ना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ऐसे होता है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3, 5 टेल अस दैट दैट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई एक्सिस इज 5 यूनिट. आइए इसको समझते हैं थोड़ा, क्या कहने का मतलब है. देखो 3 और 5 का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये कहता है ये वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की अलोंग एक्स एक्सिस वो कितनी है, 3 है. तो 1, 2, 3 क्लियर. इधर ही कहीं इसका पॉइंट यहाँ पे, मतलब ये डिस्टेंस है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है बट ये डिस्टेंस, ये पॉइंट है नहीं यहाँ पे लेकिन डिस्टेंस इतना ही दूर पे होगा. ठीक है, फिर कहता है कि वाई कोऑर्डिनेट वाला जो है अलॉन्ग वाई कोऑर्डिनेट एक्स से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 है. तो अगर मैं नेमिंग कर दूं 1, 2, 3, 4, 5 तो पॉइंट कहीं आपका जो लोकेट होगा वो पॉइंट कहीं इधर कहीं लोकेट होगा. आइए देखते हैं. पॉइंट कहाँ जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 5 बताता है, तो कुछ ऐसा आएगा. और जो गिवन पॉइंट हमें बताना है वो पॉइंट ये वाला होगा. लेट्स इसका अगर नाम दे दें हम लोग ए, ये बन जाएगा A 3, 5. ठीक है, चलो इसी तरीके से बच्चों हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली अगर हम लोगों को कहीं कुछ नेगेटिव में करना है तो क्या करेंगे, सिमिलरली अगर हम लोगों को कुछ नेगेटिव में करना है, जैसे मान लो हमने कोऑर्डिनेट की बात की Q 5-4, तो फिर से वही है, 5 बोल रहा है. तो जैसे ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, नंबरिंग कर देते हैं, ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4 लाइक दिस. सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, नीचे -1, -2, -3. ठीक है,
ये नेमिंग इस तरह से होती है, बट आपको मैं इतना ज़्यादा डिटेल लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको खाली शॉर्टकट पे समझा रहा हूँ कि ये हमारा आ गया पॉइंट, क्या रिप्रेजेंट करना है ये आपको ध्यान देना है। पॉइंट है 5, तो अगर पॉइंट रिप्रेजेंट करना है 5 माइनस 4, तो बेसिकली क्या है सिचुएशन कि ये जो 5 माइनस 4 है वो कैसा है, ये जो 5 माइनस 4 है ये कैसा है। बेसिकली एक्स एक्सिस पे 5 पॉइंट लेना है, 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट लेना है बट नेगेटिव में, 1 2 3 4। फिर से समझो, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे 5 पॉइंट्स, वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट माइनस में, एक्स एक्सिस पे 5 पॉइंट प्लस में जो है 1 2 3 4 5, ये पॉइंट अपना लोकेट कर लो, और माइनस में क्या है 4 पॉइंट, 1 2 3 4, ये पॉइंट प्लस 5 में है, ये पॉइंट माइनस 4 में, राइट। दोनों को जोड़ दो, ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, लेट्स इसका नाम हमने जो क्यू बोला था, क्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 4। फिर से लिख दे रहा हूँ उसको, 5 कॉमा माइनस 4, ठीक है। इसी तरीके से बेटा देखो रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ में आ रही बात मेरी। अब कह रहा है एग्जांपल थर्ड में कि लोकेट दिस पॉइंट 50.05.25.52.-35.-3.-5.-5.-3 एंड लोक एंड 6.1 इन द कार्टेशियन प्लेन। इतनी सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, बट वही है हमारा जो यूनिटली यूनिट होता है वो लिखना रहता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। वी ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, द पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स आर शोन बाई डॉट्स इन 3.16 फिगर। बेसिकली ये बता रहा है कि कैसे कैसे होगा, तो जो जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना है, जैसे 5005, मैं पहले इन टू पॉइंट्स की बात करता हूँ। 5005 का मतलब क्या हो गया कि जो पहला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे 5 पॉइंट्स होगा और वाई एक्सिस पे 0 होगा, बेसिकली यही पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड है कि वाई एक्स पे 0 होगा और वाई पे 5 होगा, तो यही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड है एक्स पे टू राइट, और वाई पे 5, एक्स पे 2 वाई पे 5, यानी ये 2 से निकलेगा और 5 पे चला जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। बाकी देखो अच्छे से, ये क्या कहता है, 5 2 कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, अच्छा चलो जो लिखना खाली उसी की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट 5 आ जाएगा, 1 2 ये पॉइंट 2 आ जाएगा, और हमें दोनों को ज्वाइन करेंगे अगर 90, अच्छा ये ध्यान देना ज्वाइन 90 डिग्री पे ले जाके करते हैं, 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 5 2, ठीक है। देखो बेटा इसी तरीके से सब में रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा, ये 5 0 किया है, ये 0 5 किया है, ये 5 2 किया है, 6 1 करना था तो 6 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 6 गए हैं, वाई एक्सिस पे केवल 1 चले गए हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखो होता है। सिमिलरली एग्जांपल 4 कह रहा है कि भाई इन पेयर्स का हमें ग्राफ बेसिकली बनाना है, कार्टेशियन प्लान प्लेन पे इनको लोकेट करना है, कि एक्स माइनस 3 है तो वाई 7 है, 0 है तो -3.5 है, -1 है तो -3 है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। आइए देखते हैं, पॉइंट पहला स्टार्ट करते हैं -3 7 था, तो 0.1 0.2 0.3, ये जो लोकेशन है ये -3 है कि नहीं है, बिल्कुल है। +7 कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो +7 जो पॉइंट मिल रहा है वो कहीं इधर कहीं मिल रहा है, ठीक। हम कहते हैं भाई -3 कहाँ है, ये है, +7 कहाँ है, ये है, दोनों को जो हमने जो ज्वाइन किया तो क्या बना, तो ये जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, -3.7, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, होगी तो फिर पूछ लेना भाई, और क्या कह सकते हैं। सिमिलरली 0 -3.5 कहना था, तो x एक्सिस पर तो 0 रह जाएगा लेकिन y पे -3.5 जाएगा,
वन टू थ्री फोर, और फोर और थ्री, थ्री और फोर के बीच का पॉइंट क्या आ जाएगा 3.5। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया ना, थ्री और फोर के बीच का पॉइंट क्या होगा, मान लो ये वन है ये टू है, तो बीच का पॉइंट क्या हो जाता है 1.5। ठीक है, चलो ये सारा चीज़ हो गया भाई, अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं, एक्टिविटी में रिमार्क एक्सरसाइज 3.3, राइट। एक्सरसाइज 3.3 जो है, दो जस्ट यू हैव जस्ट गॉट टू क्वेश्चंस, डू इट एंड सेंड इट टू मी, ओके, एंड इफ यू गॉट एनी डाउट प्लीज टू आस्क योर डाउट। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे।